आज हम देख रहे हैं इसमें क्लास 8 और 7 में पूछे जाने वाले दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिस्काउंट और सेल टैक्स के ऊपर क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे और वेट भी इंक्लूड करेंगे. वेट होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स आपका होता है सेल टैक्स जिसको हम ओरिजिनल प्राइस पे लगाते हैं ऐड करते हैं. अब सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्योंकि हमें कोई भी हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो हमें डिस्काउंट किस पर देता है, जो मार्क प्राइस होगी उसका लेबल होगा उस पर ही डिस्काउंट देगा और जो हम खरीदते हैं जो बेच रहा है वो हमें वो हो गई उसकी सेलिंग प्राइस. तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. आपको इसमें से कोई भी टू गिवन होंगे और आपको थर्ड वाला निकालना है. तो अब देखो पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि मार्क प्राइस दे रखी है आपको सेलिंग फैन की इतनी, मतलब कि जो जो आपको गिवन हो पहले तो आप वो लिख लेंगे. आपको दिए मार्क प्राइस, आपने मार्क प्राइस लिख लिया कितना है रुपीज 1250 और उसके बाद आपको उसने सेकेंड चीज दी है डिस्काउंट परसेंट. तो यहाँ से हमें दो चीज गिवन है और हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस बताइए. तो हम क्या करेंगे, कितना उसे डिस्काउंट मिला है तो उसको मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिला है, जितना डिस्काउंट मिला है उतना हम उसका डिस्काउंट निकाल लेंगे, माइनस करेंगे और इसको काट लेंगे, मतलब टेबल से कट कर लेंगे और फिर ये 25 × 3 दैट इज 75 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिला है 1250 पर. तो अब इसको हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैं यहाँ क्या लगा सकती हूँ, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस. तो मार्क प्राइस थी हमारी 1250 और उसमें से मेरे को 75 माइनस कर दिया तो मेरी सेलिंग प्राइस आ गई रुपीज 1175. तो इसी तरीके से क्वेश्चन होगा कि मतलब कि हमें कोई ना कोई डिस्काउंट मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कोई भी टू चीज दी होंगी और हमें थर्ड वाला निकालना है. तो आप देखते हैं इसके और भी क्वेश्चंस देखते हैं. 1250 में से माइनस करा 75 तो आपका आंसर आ गया 1175. ठीक है, अब देखते हैं इसके दूसरे. अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि टी सेट है जो उसने बॉट किया है 528 का आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट 12%. तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है 12% और आपको एसपी गिवन है कि उसने कितने का खरीदा है, बेचा उसने 528 का है. अब हमें मार्क प्राइस निकालनी है इसमें. तो मैं क्या करूँगी कि लेट द मार्क प्राइस बी एक्स. मैंने मार्क प्राइस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया. अब हम जानते हैं कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, मार्क प्राइस क्या था एक्स और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 528. ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्काउंट, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं. अब डिस्काउंट परसेंट दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो यहाँ डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. अब इसको करते हैं तो डिस्काउंट हमें कितना दिया है, ये वैल्यू हम उठा के रख देंगे एक्स माइनस 528 और मार्क प्राइस को मैंने एक्स माना है इनटू 100 और यहाँ पर 12% आपको दिया है डिस्काउंट परसेंट. क्रिस्प मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर ले जाके और 100 का यहाँ कर देते हैं. ठीक है, अब एक्स वाले इधर ले आते हैं, माइनस का 88 आ जाएगा और ये माइनस का 528 00. देखिए ये 11 के टेबल से कट हो रहा है या आप डायरेक्ट 8 से भी काट देंगे, 8 से कट कर देंगे या मैं 11 से काट देती हूँ. तो 88 और ये जाएगा इससे 4 और 8 बार ये आ गया और नीचे 8 बार जाएगा. 8 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 600. तो आपकी मार्क प्राइस क्या निकल आई यहाँ से 600. तो कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं होगा, बस आपको है कि आपको बस उन दोनों फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे आपके आंसर्स निकल आएंगे. तो एक क्वेश्चन ये हो गया मार्क प्राइस का. अब हम देखते हैं जो आपको दो एकदम डिस्काउंट दे दिए जाए, ना आपको उसमें सेलिंग प्राइस पता हो ना ही आपको उसमें मार्क प्राइस पता हो, तो तब हम कैसे करते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए इसने बोला एक ट्रेडर है जिसने एक गुड पे क्या कहते हैं 40% डिस्काउंट दिया है. किस पे, मतलब अबव द डिस्काउंट नहीं दिया है, उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस पे 40% लगाया है तो उसको मार्क प्राइस मिल रही है और डिस्काउंट कर रहा है जो मार्क प्राइस है उस पे 25%. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता हमको तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स.
100 मान लेते, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, जब आपको 2% दियो, क्योंकि परसेंटेज का टोटल सम 100 होता है, इसीलिए आप 100 भी मान सकते हैं। और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा है एक्स लेट करके, आप उसको 100 मान के भी कर सकते हैं। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, और अब इस पर मार्क्स मार्क प्राइस निकालनी है, क्योंकि 40% ऊपर है, तो मतलब 40% ऐड कर दूंगी 100 पर, तो आ जाएगा 140, मतलब कि 140 आपकी क्या आ गई, मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट निकालना है हमको, हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट कितना दिया है, 25% किस पे निकल रहा है, वो मार्क प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं यहाँ से, 5 बार 2 बार 7 बार 7 बार आपका डिस्काउंट आ गया 35। अब तो ये इजी हो ही गया क्वेश्चन, क्योंकि अब क्या है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस हमने 140 ली थी और डिस्काउंट आ गया हमारा 35। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से सेलिंग प्राइस आपकी क्या निकल आई, 105। अब उसने गेन परसेंट पूछा है हमसे, सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस 100 थी और सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो CP पे कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका प्रॉफिट हो गया 5 रुपीज 5 हो गया, तो हम यहां से निकाल देंगे प्रॉफिट 5 अपॉन CP कितना है 100, तो 5% ही आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 लिया था। तो क्या आ गया, द ट्रेडर गेन्स, कितना गेन हुआ उस ट्रेडर को, 5%। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारा कैलकुलेट हो गया गेन परसेंट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट पे देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन, जब आपको दो डिस्काउंट दिए हों और ना तो आपको कुछ पता हो, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का। अब देखिए क्या है कि सिंगल डिस्काउंट दिया गया है, दो डिस्काउंट दे दिए, पहले 20% का और फिर आपको उसने दे दिया है 10% का। तो जब आपको ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हों तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, हम मार्क प्राइस को 100 मान लेते हैं। लेट द मार्क प्राइस बी 100 आर्टिकल, मतलब कोई भी एक आर्टिकल है उसकी मैंने मार्क प्राइस को 100 ले लिया है। फर्स्ट डिस्काउंट उसने बोला है कि फर्स्ट डिस्काउंट उसको मिला है 20% का, तो अब क्या होगा, 20% का मिला है तो 100 को 20% निकालोगे कैसे, बस ऑफ 100, तो 100 इसको सॉल्व करोगे तो 100 हो जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा हमारे पास, 20 ही आएगा उसका। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, किस कितना हो गया, 100 पर उससे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो उसके पास कितने रुपये बचे हैं, 80 रुपीज़ बचे हैं, ठीक है, प्राइस बचाई है उसके पास। फिर उसको वो दे रहा है इस पर 10% और, तो 80 रुपीज़ का भी 10% निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा, 8% आ जाएगा। तो अब क्या होगा, 8 आ गया रुपीज़, 8 उसके पास बचा है सेकंड डिस्काउंट के बाद, प्राइस इतना बचा है, यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड डिस्काउंट उसको कितने का था, 10% का, और उसके बाद उसके पास प्राइस बचा है 8, ठीक है, उसको 8 रुपीज़ का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब तो अब डिस्काउंट हमें, अब सेलिंग प्राइस बतानी है कि अगर उसको डिस्काउंट मिल गया है तो उसके पास सेलिंग प्राइस कितनी बचेगी। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितनी थी उसके पास, मतलब 80 थी ना, कि जितना बचा रिमेनिंग उसके पास, और उसके बाद 8 रुपीज़ और खर्च हो गया उससे, मतलब उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसके पास उसको कितने का बेचा उसने, सेलिंग प्राइस उसकी क्या पड़ गई, 72। तो जब आपको दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिए हों तो आप कैसे करेंगे, पहले का एक का निकालेंगे फिर उसके बाद दूसरे का निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाता है, अगर आप देखो यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट देखो तो क्या हो जाएगा, टोटल अगर मैं टोटल डिस्काउंट ले लेती हूँ 100, तो 100 में से 72 माइनस कर दूँ तो कितना बचा मेरे पास, 28%। तो ये आ गया आपका सिंगल डिस्काउंट, जब एक ही प्रोडक्ट पे दो डिस्काउंट लगते हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया ये 28%। मतलब कि आप पहले एक पे निकालेंगे, आपने 100 माना, फिर उस पर 20% करेंगे, तो ऑब्वियस बात है 20 आएगा, फिर जो मार्क प्राइस आपने मानी थी उसमें से सेलिंग प्राइस आपने ये हो गया, फिर 80 का पड़ा पहला डिस्काउंट पे सेलिंग प्राइस। अब ये दूसरे के लिए तो मार्क प्राइस का काम करेगी, क्योंकि उसको इसी पे मिल रहा है डिस्काउंट, तो इस पे मैंने उसका 10% डिस्काउंट निकाला, 8 आया, तो फिर जब सेलिंग प्राइस निकाली तो मार्क प्राइस जो 80 थी उसी में से 8 माइनस करके सेलिंग प्राइस आ गई। जब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने था तो फिर क्या करेंगे, 100 टोटल
टोटल में से 72 बचा ना, तो उसको माइनस कर देंगे तो आपकी वो क्या आ जाएगी, सक्सेसिव डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये समझ आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है मार्क प्राइस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो आप इसी तरीके से करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। मैंने हर टाइप का इक्वेशन इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखते हैं एक और इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, अ सेलफोन वॉज मार्क्ड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स बी 100। सॉरी, जब आपको कुछ भी चीज गिवन नहीं होती मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में से या कॉस्ट प्राइस में से, तो आप क्या करेंगे उसको 100 लेट कर लेंगे। अब उस पर वो क्या कर रहा है, 40% अबव है कॉस्ट प्राइस पे मार्क प्राइस, तो 40% इसमें ऐड कर दो 100 का, तो वही आएगा 140। तो मार्क प्राइस आपके पास कितनी आ गई, 140। उसके बाद वो क्या कर रहा है, 30% का उसको और डिस्काउंट दे रहा है। तो हमेशा डिस्काउंट आपका क्या कहते हैं, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो वहां से मेरा डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट यहाँ से आ गया, इसको कट कर देंगे 42। तो हमारा डिस्काउंट कितने रुपीस का आ गया है, 42। अब वो क्या कह रहा है, गेन और लॉस बताओ। तो पहले सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस में से आप क्या कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो मैंने माइनस करा तो कितना आ गया, 98 सेलिंग प्राइस आ गई। अब देखा जाए तो उसको क्या हो रहा है, सेलिंग लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी छोटी है कॉस्ट प्राइस से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा 100 था, उसमें से अगर हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो 2। अब लॉस, ये तो लॉस निकला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस हमारे पास कितने का है, लॉस है हमारे पास 2 और कॉस्ट प्राइस थी हमारी 100 और 100 यहाँ आता है, तो लॉस हमें कितने का निकला, 2% का। तो 2% का लॉस हो गया है सेलफोन को बेचने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस डिस्काउंट से रिलेटेड समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा इसका होगा सेल्स टैक्स पे और वेट पे। तो आई होप आपको समझ आया, तो थैंक यू।